हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं एक किट यूज़ करने वाली हूँ जो कि है फेविक्रिल की मोल्डेड किट, जो बेसिकली एक क्ले किट है जिससे आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है फेविक्रिल का मोल्डेड किट जो कि आज मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। इस फेविक्रिल मोल्डेड किट में आपको 10 पैकेट्स ऑफ हार्डनर एंड 10 पैकेट्स ऑफ रेजिन बेस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैकेट रेजिन बेस, एक पैकेट हार्डनर का लिया है बिकॉज हमें इन दोनों को इक्वल क्वान्टिटी में मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपके हाथ पे ये क्ले चिपकता है तो यू कैन यूज़ टैल्कम पाउडर और एनी काइंड ऑफ पाउडर दैट यू हैव। अब इन दोनों हार्डनर और रेजिन बेस को अच्छी तरीके से अपने हाथों से मिक्स करना है। ईजिली यूनिफॉर्मली ये जो क्ले है वो ब्लेंड हो जाना चाहिए। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक पाउडर, टैल्कम पाउडर यूज़ किया है क्योंकि ये क्ले हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। अभी ये क्ले अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस क्ले से आज मैं बनाने वाली हूँ एक पेंडेंट। तो उस पेंडेंट को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इस क्ले का पार्ट लूँगी और कोई भी ऐसा सर्कुलर पेंसिल और पेन यू कैन टेक, उसको उसकी हेल्प से मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। मेक श्योर कि आप ये जो बेस आप पेंडेंट का तैयार कर रहे हो ज़्यादा मोटा ना हो। यहाँ पे मैंने एक मोटा ब्रश लिया है टू फ्लैटन द क्ले। अभी यहाँ पे हम कोई सा भी एक सर्कुलर ढक्कन लेंगे टू कट आउट अ सर्कुलर बेस फॉर द पेंडेंट। यहाँ पे मैं जो भी टूल्स यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास डॉट आर्ट के टूल्स थे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। क्ले के टूल्स भी आते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन बाय देम एंड दे दोज आर इजीली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। अब ये बेस हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम साइड रख देंगे टू गेट इट ड्राई। नेक्स्ट अब हम रेडी करेंगे हमारे बाकी के पेंडेंट का डेकोर। उसके लिए यहाँ पे मैं पेंडेंट पे फ्लावर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लीव्स बनाऊँगी, फ्लावर के पेटल्स बनाऊँगी। ये फ्लावर का सेंटर है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द शेप ऑफ पेटल्स। हेयर आई एम टेकिंग लीफ शेप्ड पेटल्स, यू कैन चेंज द शेप ऑफ पेटल्स एज पर योर ओन विश।
मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए भी मैं डॉट आर्ट वाले टूल्स ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने सारे पेटल्स प्रिपेयर कर लिए हैं और ये कुछ सेंटर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। ऑल्दो आई विल नॉट बी यूजिंग ऑल द सेंटर्स। अभी बारी आती है इनको कलर करने की। कलर्स अगेन यू कैन चूज़ एज पर योर विश। कलर्स दैट यू हैव टू यूज़ आर द एक्रिलिक कलर्स। यहाँ पे मैं कैमल के एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, जब हम ये बेस बनाएंगे उस टाइम पे मैंने एक होल कर दिया था जिससे कि हम चेन ईजिली इसमें डाल सकें। बिकॉज़ यहाँ मैं बेस का लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके दो कोट्स करने पड़ेंगे। अगर आप डार्क कलर यूज़ करते हैं तो वन कोट विल बी इनफ। The colors are
आफ्टर कलरिंग ऑल द पार्ट्स अब बारी आती है उनको असेंबल करने की, इस पेंडेंट पे पेस्ट करने की। यहाँ पे मैं एक फ्लावर की शेप में इनको पेस्ट करने वाली हूँ। After pasting all the parts, here I am using colors again to make some more design on the pendant. It's completely optional, you can leave it like that only. Our pendant is ready. If you like this video, do share, like, subscribe to my channel. Thank you.